की शादी के बाद। दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज़ की। बूढ़ा आदमी कुर्सी में बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। बूढ़े की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से इसी मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलता था, उन्होंने कबूल किया। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी रीता आपको हर रोज़ इस बारे में याद दिलाती थी, उनकी पत्नी ने कहा। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे रोकती थी। उन्होंने ये रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे में एक खुशी की मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो 8 बज चुके हैं और मैं रीता को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही वक्त उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें रीता का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। रीता के पिता खुश थे कि वो कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर रीता का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल संतोष के हाथ में था। संतोष ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिर मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय रीता बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही रीता उसके पास पहुंचती, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। रीता ने आती हुई अपना मोबाइल आती ही मोबाइल चेक किया। उससे अचानक संतोष ने सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? संतोष मुस्कराया और कहा, मैं क्या जानूं। उस दिन पहली बार संतोष ने रीता की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।